हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर 3D का प्रॉब्लम जो जेई में 2020 में 9 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, एक प्लेन हमारे पास ये दे रखा है 23x - 10y - 2z + 48 = 0 एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, एक लाइन ये दे रखा है एंड एक और लाइन ये दे रखा है, मतलब दो लाइन हमारे पास दे रखा है। एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, मतलब दो लाइनों को कंटेन कर रहा है, इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ 633, कुछ इस तरह से गिवन है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, मतलब हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, एक प्लेन ये दे रखा है एंड दूसरा प्लेन ये दे रखा है जो इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है। इन दोनों प्लेनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, के अपॉन अंडर रूट ऑफ 633, ऐसे कुछ गिवन है। नाउ देन के इज इक्वल टू, तो के किसके इक्वल होगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहला इसका एक रफ डायग्राम बनाओ। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे उसका पहले आप तरीका समझो और देन फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझते हैं। मान लो कि हमारे पास में दो प्लेन है, एक प्लेन ये आ गया, मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन कितनी है 23x - 10y - 2z + 48 = 0। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक और प्लेन दे रखा है और इस प्लेन के लिए खास बात क्या दे रखी है कि ये प्लेन क्या कर रहा है, दो लाइनों को कंटेन कर रहा है। मान लो एक लाइन ये आ गया, दूसरा लाइन कुछ ऐसा आ गया, इट कंटेनिंग टू लाइंस। एंड हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों प्लेनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस डी है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू प्लेन, वो कितना दे रखा है, के अपॉन अंडर रूट ऑफ 63 दे रखा है। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, एक सिंपल सा तरीका है। मान लो कि सिंपल सा तरीका है कि जो सेकंड वाला प्लेन है ये क्या कर रहा है, दो लाइनों को कंटेन कर रहा है। मान लो एक लाइन ये एल वन है, इसको कंटेन कर रहा है, और एक दूसरा लाइन एल टू है, इन दोनों को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम एक बार किसी भी एक लाइन को हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो कि हमने L1 को कंसिडर किया, मान लेते हैं कि L1 है, तो हमें एक बात तो मालूम है कि जो L1 लाइन है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। पर्टिकुलर पॉइंट है क्या, -1, 3, -1, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ये लाइन भी किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रही है और इसके अलावा वेक्टर भी दे रखा है। ठीक है, हमें वो सारी बातों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये मालूम चलेगा कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है और ये पॉइंट क्या होगा, इस प्लेन में भी होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन के इक्वल आ जाएगा। दोनों प्लेनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आएगा। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि डिस्टेंस डी फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 23 - 1 यहाँ से आ जाएगा -10, 3 यहाँ पर आ गया -2, -1 यहाँ से आ जाएगा +48 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a² + b² + c² आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर यहाँ से आ गया, 10 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन दीज टू प्लेन आ गया। ना मुझे करना क्या है, इस वाले पार्ट को फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -23 यहाँ से आ गया, -30 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूँ अभी, -23 हमने यहाँ लिखा, -30 यहाँ लिख देते हैं, प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा, +48 यहाँ पर आ गया, तो ये तो 50 हो गया सॉल्व करने पर। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा -53 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, प्लस का 4 यहाँ पर आ गया, और मुझे 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 23 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 23 × 23 अगर करते हैं तो 529 आएगा। ठीक, और इसको अगर मैं एक काम ही करता हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो इसको जब पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो डिस्टेंस ये आ जाएगा 633 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे बीच जो डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, वो ये आ गया 3 अपॉन ऊपर वाले पार्ट, तो -3 + 50 करेंगे तो -3 आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 633 यहाँ पर आ गया। और डिस्टेंस हमें ये दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल दे रखा है, के अपॉन अंडर रूट ऑफ 633 इस तरह से गिवन है। तो ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो के का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, k = 3 आ जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी क्लियर है। ओके, थैंक यू।